आज मैं पुलाव बनाऊंगी। ये है शौक बच्चे के, रेडियो को धक्के लगाने। बट एक शुरू होने में सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं, केक नहीं खुल रहा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गुड मॉर्निंग। वाह, बोले आलू का है। आलू आलू बोल के दिखाओ। आलू आलू खाता है। आलू खाता है। तो गाइस, ये लाइट रात को तो क्या खूबसूरत लग रही थी। वाह, बहुत बढ़िया। हेलो जी, वेलकम टू आवर चैनल LOL। सुबह से वीडियो नहीं बनाया, बहुत काम था सफाई का, वो कर लिया। अभी मैं कुछ सामान देने अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ और वहां से जाऊंगी मैं बाजार, क्योंकि थोड़ा सामान अभी भी बाकी रहता है, लेकिन मजा बड़ा रहता है बाजार में। यार, बिल्डिंग की एक बात तो है, इतनी हरियाली है ना, जब नीचे आओ तो मज़ा आ जाता। थैंक गॉड साथ वाली बिल्डिंग में लेके दिया, ताकि आवन जावन लगा रहे और ये हरियाली देखते रहे। प्यारी माँ, मम्मी की बिल्डिंग में आ गई। चलने में हालत खराब हो जाती है यार, पता चलता है कि हम कितने अनफिट हैं। आज के सामने बोलूंगी तो बहुत लंबा लेक्चर देगा, इसलिए अकेले में आप लोगों से बोलती हूँ। तो चलिए जी, मैं आ गई अपनी मम्मी के घर और पुलाव बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा सामान नहीं है यहाँ पे। अभी जस्ट शिफ्ट किया है, थोड़ा सामान आ रहा है, 2-3 लोग रहते हैं तो इसलिए कम सामान है। तो आज मैं पुलाव बनाऊंगी और बेइज्जती ना हो जाए, मुझे ये डर लग रहा है। लेकिन कोई नहीं, घर वाले ही हैं, ये क्या करेंगे, नहीं तो ना सही फिर। तो ये है जी। हेलो अंजलि। झल्ली थी मेरी अंजलि। कैसी है अंजलि? मैं ठीक हूँ। अंजलि बिल्कुल ठीक है और सनी देओल जी की बहुत बड़ी फैन है। सो अंजलि चावल भी हो रही है, तो सामान सारा रेडी है, सब रेडी करके रखा है और मैं बनाऊंगी अभी। उसके लिए मैंने मटर, गाजर, थोड़ी सब्जियां कटवाई हैं और लंबे लंबे प्याज, थोड़ा सा गार्लिक पिसवाया है और बस बनाते हैं तो आपको दिखाते हैं। वेज पुलाव। 20 मिनट्स लेटर। आई एम सो सॉरी, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अभी आपको बताऊंगी कि पुलाव कैसे बनाते हैं वेज। मैंने वीडियो नहीं बनाया और मैंने पुलाव बना लिया, और मेरे को बहुत गलती का एहसास हो रहा है कि मैं हर बार ऐसे करती हूँ। ऑलमोस्ट हर बार ऐसा हो जाता है कि मैं बना देती हूँ और वीडियो बनाना भूल गई। मैं फिर से वीडियो बनाना भूल गई और पुलाव बन गया है। मुझे बहुत अपनी गलती का एहसास हो रहा है, बट मैं आपको दिखा देती हूँ। यशोदा कैमरामैन मेरे साथ है जो हमारी हेल्प करेंगी। और ये है हमारा वेज पुलाव। मुझे पता है बहुत अच्छा दिख रहा होगा, खुशबू भी अच्छी आ रही है। हाँ, कामयाब हो गई। नाइस यशोदा, मेरा मुँह नहीं, पुलाव का मुँह दिखाओ बेटा। अब इसमें मैं डालूंगी ऊपर से धनिया और लंबा लंबा कटा हुआ अदरक। देख लो भैया, देख लो भाई, ये है शौक बच्चे के, रेडियो को धक्के लगाने। मैं मम्मी के घर से निकल चुकी हूँ, पुलाव बना दिया था, खाया नहीं, अभी मंगवा लूंगी किसी से। बस छोटे लाल भी जा रहा है। छोटे छोटे लाल, छोटे छोटे लाल। तो चलिए जी, मैं और शीला, पंखा चल रहा, आवाज आ रही है। मैं और शीला फिर से लोखंडवाला जा रहे हैं कुछ सामान लेने, और कल हमारा शूट है। बस अब चलते हैं और फटाफट जाके वापिस आते हैं। सो वी हैव आउटलेट इन वर्सोवा। You must come check out if you want to have the authentic South Indian. Oh sweet यार, मैं shopping कर रही थी और ये आ गए, इन्होंने बोला कि इनका outlet है। Very good यार, क्या बात है, husband wife दिल से काम कर रहे हैं। All the very best. And guys, जहाँ भी ये मिले आप इनको खाइए, और इनके रेट एकदम ना के बराबर। मुस्कुराओ। All the very best. Thank you. हाँ जी, कुछ नहीं, बाय। सो दोस्तों, रात के 11:30 बज रहे हैं और ये देखो। Oh no. सो घर से फोन आ गया कि भाई 11:30 हो गए, कहाँ हो, क्योंकि आज
आज नहीं मतलब कल, आज 12 बजे के बाद हो जाएगा। मेरी सासू माँ का बर्थडे है और हमने विश करने जाना है नीचे। सो बस घर पहुँचते हैं फटाफट, कलेश ही ना पड़ जाए कहीं, क्योंकि ट्रैफिक इतनी है। ओहो, बस से भी घुसा ली लोखंड वाला में। वाह पांडे जी, बाजारों में जो बड़ी बड़ी गाड़ियां घुसाते हैं, नहीं घुसना चाहिए। नहीं अच्छा नहीं ना? नहीं नहीं, क्योंकि जहां लोग चलते हैं पूरा वैसे जाम है, बड़ी गाड़ी घुसा के और जाम लगा दे। हाँ। और आप जो इस बड़ी गाड़ी में बैठे हो, आपका क्या कहना है? ये फंस गया बड़ी गाड़ी में तो हम, अरे ये तो पकड़े गए। हमने गाड़ी नहीं गई, आप वापस आए, जाते वक्त हम पैदल गए थे है ना, क्योंकि गाड़ी हमने लगाई हुई थी। तो चलिए जी, सीधा हम ससुराल में मिले हैं। सास का, सास पैदा होने वाली है 5 मिनट पे। ससुर जी बीवी का वेट कर रहे हैं, जैसे ही पैदा हुए वो ले जाएंगे शादी करके। इतना अच्छा लगता है ना, अब बालकनी में खड़े होके ऐसा लगता है एक मकसद है, सबको देखना, सबकी लाइट्स देखना, तो बहुत अच्छा लगता है। ये तो कुछ लोग लगाते हैं लाइट्स दिवाली के बाद हटा देते, मैं पूरा साल लगी रहने देती हूँ। बड़ा अच्छा लगता है जब शाम को लाइट चलाते हैं, अभी बट हैप्पीनेस लगता है, पॉजिटिविटी लगती है। बर्थडे शुरू होने में सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं, केक नहीं खुल रहा। oh, no. बच्चा परेशान हो रहा है। खुल रहा है, खुल रहा है। अरे वाह, केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दादी, हैप्पी बर्थडे गोले की दादी। दर्शक केक का इंतजार करते हुए। बच्ची उठा लो, बच्ची उठा लो, उठाओ बच्ची, छोटी बच्ची उठा लो। वाह, ये क्या था भाई, ये क्या था, ये क्या था गोले? ले जरा चाट, जरा चाट। ऊपर से ऑर्डर है कि कम मीठा खिलाना सासू माँ को, तो इसीलिए हमेशा जवान चुलबुली तितली की तरह ऐसे ही मचलती रहो मेरी सासू माँ। गरबे में, मॉरिशस, सिंगापुर, तबाही मचाती रहो और बस लंबी उम्र हो और हमेशा हेल्दी रहो। हैप्पी बर्थडे दादी। चलिए जी, सासू माँ का बर्थडे हो गया, हम अपने घर आ गए। बहुत अच्छा लगता है यार जब अपने माँ बाप खुश होते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ कि मेरे बच्चे 12 बजे आए कि नहीं, केक लाए कि नहीं। मेरी मम्मी का भी यही हाल था आज, हर्ष की मम्मी का भी यही हाल है। इतनी हैप्पी हो जाते हैं ना हमारी मम्मियाँ। बचपन में तो हमें याद भी नहीं कि 12 बजे विश करते थे या कुछ कुछ पता ही नहीं यार, 4 पेस्ट्रियाँ लगा के उसको जोड़ के केक बना के काट लेते थे हम। बट बहुत अच्छा लगा कल भी और आज भी। गोला तो बहुत ही खुश हो जाता है 12 बजे, उसको उसका टाइम चला जाए ना जब सोने का, तो बहुत मस्त खुश हो जाता है। हर्ष अंदर है, मैं चेंज करके आपको मिलती हूँ। मज़ा आ जाता है यार, मैं जब भी देखती हूँ लाइट्स, दिवाली चली गई, पटाखे अभी भी कहीं कहीं फूट रहे इतने दिनों बाद, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी मिलती है। सो गाइस, बड़ा ही अच्छा लग रहा है यार लाइट्स का। दिवाली मेरा फेवरेट फेस्टिवल, दिवाली, होली, कलरफुल चीज़ें बहुत अच्छी लगती मुझे। खैर, सासू माँ का बर्थडे मना के आ गए, उसके बाद मैंने थोड़ा सा आके मेकअप किया था, लेंस लगाए, क्योंकि मुझे एक रील बनानी थी, वो मैंने बना के दे दी। अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, हर्ष तो सोने जा रहा है, बट मैं देख रही हूँ यार, मैं इसी बालकनी में आने का बहुत कम टाइम मिलता, जब बारिश होती थी तब मैं आ जाती थी, बट अभी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। और ये देखो, अरे यार कितनी बड़ी और बड़ी मेहनती सिटी है ये, इसमें जो मेहनत करता है ना बहुत खुश रहता है। इसका एग्जांपल मैं हूँ कि जो मेहनत करता है वो बहुत खुश रहता है। मैं मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं होती, बट मुझे पता है मेरे जैसे तो बहुत लोग हैं और बहुत मेहनत करते हैं। सो मेरी यही विश है, दिवाली तो चली गई बट अभी मेरी यही विश है कि जितने भी लोग बॉम्बे में हैं और कुछ करने आए, मेहनत करने आए, भगवान उन सबका सपना पूरा करें। और बस इसी प्यारी प्यारी बातों के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय। और हाँ, जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, कल फिर मिलते हैं, बाय। वाह मेरे तुम्हारे, ये है लक्ष्मी केक।
अरे 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 प्लेट आ रही, प्लेट आ रही, प्लेट थाली लाओ, थाली मोटी नहीं नहीं कांच की प्लेट नीचे।